स्वागत है आपका वॉन्डर एंड गॉबलिन में। आपने पहले पार्ट में देखा कि यहाँ की जो स्पेशलिटी नॉनवेज है, जिसमें भुर्जी सबसे फेमस है, आपको मैंने लगभग 300 अंडे का एक पूरा तवा आपके सामने प्रेजेंट किया। उसके अलावा जो मैं आज आपको सेकंड भाग में दिखाने वाला हूँ वो ये है कि सेकंड भाग में हम वेज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इनकी वेज की स्पेशलिटी बहुत खास है। एक पाव भाजी इनकी बहुत फेमस है और दूसरा इनका पुलाव बहुत फेमस है। तो चलिए देखते हैं, आज आपको मैं दूसरा भाग भी दिखाऊंगा। पिछली बार अगर आप ये देखना भूल गए होंगे तो मैं आपको बेशक याद दिलाना चाहूंगा, 300 अंडे की भुर्जी जो यहाँ की बहुत ही फेमस डिश है, अगर आपने मिस कर दी है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और बकायदा इसे देख सकते हैं। बहुत अच्छे से बनाया गया जो यहाँ का फेमस है वो आप जरूर देखें, पर अभी आप मेरे साथ देखेंगे यहाँ का वेजिटेरियन स्पेशल। मैं तो यही चाहूंगा कि आप यहाँ पे आए और इनकी स्पेशल पाव भाजी खाएं, पर अगर आप बॉम्बे के बाहर हैं और ये खाना देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है तो बेशक पेन और पेपर अपने हाथ में ले लें, क्योंकि ये पूरी रेसिपी आपके सामने अब दिखने वाली है। अगर आप और मैं ये चैलेंज ले लें कि 300 से 400 लोगों का खाना आपको बनाना पड़ जाए ऐसे ही तवे पे, तो आप क्या बना पाएंगे? मैं तो नहीं बना पाऊंगा, पर एक चीज तो मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, जो ये शेफ हैं ये हर रोज करते हैं और इनको लगभग 2 से 3 घंटा लगता ही है, पर जिस तरीके से ये खाना बनाते हैं आप देख सकते हैं कि एक एक मसाला, एक एक इंग्रेडिएंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाव भाजी के लिए, वो बकायदा उन्होंने देखा परखा और उसी के हिसाब से उसे डाला है। और लोगों को यही चीज़ भा जाती है इस प्लेस की, क्योंकि इस जगह पे आपको इंस्टेंटली पाव भाजी मिल जाता है, पर उसके पीछे का जो मेहनत है वो आप अभी देख रहे हैं। यहाँ के जो वेज स्पेशलिस्ट हैं, जो यहाँ के मास्टर शेफ कहलाए जाते हैं, शमशेर, वो यहाँ पे 15 सालों से वेज स्पेशलिस्ट हैं। पाव भाजी हो या पुलाव हो, उसके लिए उनका नाम प्रसिद्ध हो चुका है, पर उनकी मेहनत आप देख सकते हैं। मैंने तो इसे छोटे से वीडियो में ही कैप्चर किया है, पर अगर आप सामने से देख लें तो ये टस से मस नहीं होते। इनका जो ध्यान है वो इतना परफेक्ट है कि आप जब ये खाना बनते हुए देख सकते तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, ये कितना अच्छा परफेक्शन है। अब मेन सामग्री तो लग चुका है, उसी के साथ अब मसाले की बारी आती है। मसालों में तो आप जानते ही हैं कि पाव भाजी में कौन से मसाले लगते हैं, पर आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से उसे मिक्स किया जाएगा और उसके बाद उसमें और थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया जाएगा, वो चीज़ के लिए दाद देनी पड़ेगी शेफ़ की, क्योंकि उसे एक एक करके वो देखेंगे और उसके बाद ही उसे मिक्स करके आपके सामने लाया जाएगा। फाइनल टचअप की बात आए और ये पीछे हट जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, पर आप एज अ कस्टमर को एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी पाव भाजी खाते हैं उसमें मसाला का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, पर ये चीज़ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बनाएंगे इसे आप देख ही सकते हैं कि उसे पूरी तरीके से मिक्स किया जाएगा और उसके बाद ही यह आपको सर्व किया जाएगा।
इसी के साथ आपका पाव भाजी हो गया है तैयार, पर आप एक चीज मिस कर रहे हैं, वो है मेन इंपॉर्टेंट चीज। जी हाँ, पाव भाजी है तो पाव तो होगा ही, और बिना मक्खन मारे अगर आपको पाव मिल जाए तो आपका चेहरा लाल तो होना ही है। अगले पार्ट में आप देखेंगे यहाँ का फेमस पुलाव। उसके लिए वॉन्डर एंड गॉबल को आप देखते रहें। धन्यवाद।